फोन दो। क्यों लेकिन? फोन दो। तुमको शर्म नहीं आता है? वीडियो बना रहे हो, हाँ? किसी का भी वीडियो बनाना, खास करके महिला का वीडियो बनाना कितना दंडनीय अपराध है, तुमको पता है कि नहीं पता है? इसके लिए डाले तुमको जेल में, डाले? मैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस आपका फैन हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया चैनल पे बस आपका वीडियो लाइव दिखा रहा था। ये देखिए, आपको अभी हजारों लोग लाइव देख रहे हैं। हमको देख रहे हैं लाइव? हाँ। तो ये मैसेज उस टोपा इंसान के लिए जिसने हमारा वीडियो वायरल कर दिया है। उनको पता होना चाहिए कि हम तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं और तुम्हारा अब कचूमर निकाल के ही रहेंगे। जब तुम जैसे चूरन की किस्मत खराब होती है ना, तो वो हमारे हाथ लगते हैं, समझे? बंद करो इसको। हाँ। और आप सब क्या तमाशा देख रहे हैं? काम नहीं है किसी के घरों में, जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? कुणाल। देखो ऐसा है कि तुम्हारा पहली बार है, इसलिए अभी तुमको वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, अगली बार छोड़ेंगे नहीं, सीधा जेल में डालेंगे, समझे? थैंक यू मैम, प्लीज प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, क्या बात है, आज आप टिफिन नहीं लाई? वो चीता अस्पताल में है ना, उसके लिए भेजा है। अच्छा अच्छा, करिश्मा सिंह कहाँ है? आपको लगता है मैडम सर वो आएंगी? हाँ, 10 जिद्दी लोगों का हाजमा खराब हुआ होगा तब जाकर एक चुड़ैल। अब चुड़ैल बहुरानी ने जन्म लिया होगा, वो कहाँ से आएंगे? अब एक बार बोल दिया ना उन्होंने कि वो वीडियो वायरल करने वाले को पकड़ कर ही थाने आएंगी, अब वो कैसे आएंगे उसके बगैर? क्या है ये? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, ये क्या बचपना है, अब थाने क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए यहाँ हम इतने सारे लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन ये सारा ठंडा हमने किया है, उसको आप हम ही सुधारेंगे। हम उसी टोपा इंसान को पकड़ने जा रहे थे और जब तक वो हमारे हाथ नहीं आएगा हम थाने वापस नहीं आएंगे, अब हम उसके साथ ही वापस आएंगे। ठीक है, और कहाँ ढूंढेंगे आप उसे? पाताल के आगे तो नहीं गया होगा ना, ढूंढ लेंगे मैडम सर उसको। मैं आए? अब तुम बोलोगे? बोलो। स्पीकर ओके। चोरों का उसूल होता है, जो चोर जिस जगह पे अपना हाथ साफ करता है उस जगह दोबारा जरूर जाता है। अगर ये यही चोर है जिसने एमजी रोड पर पर्स चुराई है, तो वो दोबारा अपने साथी के साथ वही जाएगा। सेम प्लेस सेम टाइम, नोट माई वर्ड। करिश्मा सिंह जी, जल्द से जल्द एमजी रोड पहुंचिए। समझ गए मैडम सर, हम वहां पहुंचते हैं। जय हिंद। Yes! कुछ तो करो, खुश तो बहुत हो गए तुम आज। अरे बन राकस सर, यहीं पर सामान ला के दुकान शिफ्ट करने का इरादा है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बात है, मुर्दे में जान आ गई। अबे चपड़गंज जान गए नहीं, जाते जाते रह गई है। जान नहीं, लॉटरी का टिकट हो गया, लग गई और लगते लगते रह गई। और तुम्हारी लग गई। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ अपनी जान के साथ ऐसा मौत का खेल तुम क्यों खेल रहे थे? इधर आ। हाँ, बोलो बोलो बताओ। करिश्मा मैडम झंडा गाड़ी तो सब लोग इंप्रेस हो गए, हम भी सोचे कि हम भी थोड़ा सा झंडा उंडा गाड़ देंगे, सब लोग नहीं तो कम से कम संतोष जी इंप्रेस हो जाएंगे। बाबा हुई तो नहीं? कैसे नहीं हुई रे बनबिलार, कैसे नहीं हुई? देखा नहीं, खुद आई थी, खुद हमारा ख्याल रख रही थी, हमारे लिए खाना ना लेकर आ रही थी, ख्याल रख रही थी, हमारा फिकर कर रही थी, केयर कर रही थी। वो दोस्ती का फर्ज निभा रही थी, दोस्ती का, जैसे हम लोग निभा रहे हैं। अबे छाबड़ी के, तूने उसे मोहब्बत की गलतफहमी समझ बैठा है तू। देखो चिता भाई, दोस्त मुझे सलाह देते हैं, कुत्ता पाल लो, बिल्लू पाल लो, बिल्ली 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 पाल लो, शेर पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। संतोष जी,
संतु जी आप हमको ऐसे सूप पिलाए ना कि हमारा पानी तक का प्यास बुझ गया। संतु जी हाँ तो पानी पियोगे तो पानी की प्यास बुझेगी ना। संतु जी आप तो हमको सूप पिला रही थी ना। हाँ सूप खत्म हो गया, ये पानी है। कोई बात नहीं संतु जी, जहर भी पिला दे तो कोई गम नहीं है संतु जी। वैसे भी यहाँ पर पूरे दिन ऐसे अकेले पड़े रहने से बेहतर है कि आपके हाथों जहर पीकर हम मर ही जाएं। संतु जी समझ, तेरी मनोकामना पूरी हो रही। चीता भाई ऐसे मत जाओ हमें छोड़ के। चीता भाई हमारे उधारी दिए मैंने, मत जाना। मौत नहीं आई, यमराज के भाई से पहले खड़े हो गए संतु जी यहाँ पर। हमारी मनोकामना कैसे पूरी होगी संतु जी? अरे सुन, तूने कहा ना तुझे अकेले नहीं रहना। हाँ तो मैं रुकूंगी ना पूरे दिन। मैडम सर ने परमिशन दे दी है। चीता इस बात पर मुंह मीठा करना बनता है। लेकिन एक बात सुन लो, मैं मस्ती मजाक नहीं करूंगी, यहाँ पे काम करूंगी। चीते मैडम सर कब आएंगे वो बदमाश? यहाँ 2 घंटे से चिलचिलाती धूप में खड़े रह रहे कि हमारी कमर दर्द करने लगी, हमारे पैर भी अकड़ गए, क्या करें? यहाँ बदमाश तो छोड़ो, उनकी हवा तक नजर नहीं आ रही है। वो आ गए मैडम सर, वो आ गए। चीता भाई फोन में कुछ आ रहा है, पर ये देखो। हाँ भाग रहे हो भैया? अरे वाह संतु जी, करिश्मा मैडम लाइव आई है। करिश्मा मैडम लाइव 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 है। करिश्मा मैडम बड़ी ठीक पुलिस वाली हो, इतना बड़ा सबक सिखाया फिर भी चली आई उलझने के लिए। हेलो आई एम बिलू द स्पाई और रन आउट। बिलू जी मैडम सर है आपके साथ? नहीं मैं उनके साथ हूँ। हाँ, फोन स्पीकर पर कीजिए। हाँ 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 मेरे फोन का स्पीकर ऑन। हाँ बोलिए। हाँ जय हिंद मैडम सर। संतोष क्या हुआ? मैडम से करिश्मा मैडम लाइव है, पूरा शहर उन्हें देख रहा है। प्लीज उनसे कहिए कि कोई भी स्टंट ना करे, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। प्लीज कहिए उनसे। हाँ ठीक है हम कुछ करते हैं। उठाइए करिश्मा सिंह फोन नहीं उठा रही, पुष्पा जी को करते हैं। हेलो पुष्पा जी सुनिए, कुछ भी कीजिए, करिश्मा सिंह को रोकिए, वो लाइव है, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। वो तो बहुत आगे जा चुकी है मैडम सर, हम जा रहे हैं, वही जा रहे हैं। क्या? What happened? बिल्लू चलो 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 चलो। रेड फिल्म तुम खुद को बहुत बड़ा तुम समझते हो क्या? या कहीं की हीरो सिर्फ हम लोग होते हैं, हम जैसे मर्द, तुम जैसे नाजुक औरत नहीं, चोरी का बोझ सह नहीं पाती और निकली दुनिया का नक्शा बदलने। भाई तो कहाँ भाग रहे हो भैया? ये चूड़ी वाली औरतें नहीं होती ना तो तुम नहीं होते, ये चूड़ी वाली औरतें नहीं होती तो ये दुनिया नहीं होती, समझे तुम? और अब ये चूड़ी वाले हाथ तुमको बताएंगे कैसे तुम्हारे थोबड़े का नक्शा बदल दिया। क्या हुआ संतु जी, सब ठीक तो है ना? बताए तुमको अभी। हाँ तू चीते, किसने कहा था तुझे ये बेवकूफी करने के लिए? किसने कहा था तुझे करिश्मा मैडम का ये स्टंट फॉलो करने के लिए? तुझे पता उनके नाम पर कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है? तू क्या चाहता है चीते? तू सस्पेंड होना चाहता है क्या? देख तूने अपनी क्या हालत करके रखी है, हाथ पैर तुड़वा कर बैठा हुआ यहाँ पे। तू क्या चाहता है? तू पूरी जिंदगी ये ग्लूकोज की बॉटल लेके पूरे शहर में घूमेगा? जवाब चाहिए, ऐसे घूर के देख मत, मुझे जवाब दे। संतु जी आप हमको बोलने दीजिएगा तब तो बोलेंगे ना। हमारा ध्यान इधर गया और वो हमारे हाथ से निकल गए, अभी सारा टंटा खत्म हो जाता। खत्म नहीं होने वाला था करिश्मा सिंह, ये टंटा और बढ़ जाता क्योंकि आप लाइव थी, हजारों लोग आपको देख रहे थे। आप एक गलती और कर देती या हाथ उठा देती या स्टंट कर देती तो जानती आप क्या? इस उम्र में अपनी सास को जो भगा भगा कर अत्याचार कर रहे हैं ना आप, देख लेना आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन माँ आप भागते भागते क्यों आए, रिक्शा क्यों नहीं ली? हाँ कैसे लेते मैडम सर, हमारा पर्स चोरी हो गया ना। आपका पर्स? संतु जी हमको अपने किए का बड़ा पछतावा है, हमको बहुत अफसोस है जो भी हम किए हैं, हम नहीं करेंगे दोबारा, हम आपसे वादा करते हैं संतु जी, हम जो कुछ भी किए ना इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं,
हम तो सब लोग को बताएंगे कि हम जो कुछ किए उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमको संतु जी। कैसे कैसे बोलेगा लोगों को? सोशल मीडिया के द्वारा संतु जी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा ताकत है। सोशल मीडिया पर जाएंगे, लोग को दिखाएंगे अपना आपको कि हम ही सब स्टंट करने का टिराई किए और अपना पैर और अपना हाथ तुड़वा कर बैठे हैं। हम सबको बोलेंगे संतु जी बहुत गलत बात है ये सब करना। और तुम तो करिश्मा मैडम हो जो तुम्हारे सब लोग बात सुन लेंगे। प्लीज तो इसका जान ले लेंगे हम संतु, इसको दूर ले जाइए। एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? मैडम सर ऐसा कहते हैं जिसकी जुबान पर काला तिल होता है ना वो जो बात कहता है सच होती है। मेरी शादी हो जाए ऐसा बोलो माँ। तुम्हारी तो शादी कभी नहीं होगी नालायक। हमारे नन्ना के तो भाग्य फूट गए। अब क्या तो हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, हम छोड़ देते हैं। क्या क्या बात कर रही हैं हम? हाँ कब बता दीजिए, हम लल्ला को कहते हैं अभी आपका टिकट करवा देते हैं। हम ये नौकरी छोड़ देते हैं, हम इस्तीफा देते हैं मैडम सर, हमें नहीं करना ये नौकरी। करिश्मा सिंह ये अब क्या क्या कह रही हैं? हाँ संतोष शर्मा कहिए। सुनिए क्या बात है संतोष शर्मा, आपने सिंगाड़े खाए थे तभी हमें लगाए। बहुत ही अच्छा आइडिया, गुड जॉब। जी मैडम सर, जय हिंद। चलिए करिश्मा सिंह अपना हुलिया ठीक कर लीजिए। मतलब आपको एक बार फिर से लाइव जाना है। का 1 2 3 एक्शन। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह, और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं अब मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा थोड़ा कन्विक्शन चाहिए, थोड़ी इंटेंसिटी चाहिए, है ना मैडम सर? हम बताते हैं, रुकिए। हमें ऐसा है करिश्मा सिंह, और हम आपसे आज ये कहने आए हैं कि आज से हमने एक नया अभियान निकाला है। इस शहर में होने वाले जितने भी अपराध है उसके विरुद्ध एक जागरूकता पैदा करना है आप सबके बीच में, हम सबके बीच में। उसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके आसपास होने वाले छोटे बड़े अपराधों का वीडियो निकालना है और तुरंत हमको भेजना है। जो 3 वीडियो हमको सबसे बढ़िया लगेंगे ना उसको हम पुरस्कार देंगे। तो फिर देर किस बात का है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमारी मदद। जय हिंद। ओके कट। बिल्ले परफेक्ट करिश्मा सिंह, बहुत ही बढ़िया। तो मैडम सर अब इंतजार। कुछ मिला? नहीं मैडम सर, ढूंढ रही हूँ। करिश्मा मैडम, आज फिर पड़ोसी के कुत्ते ने सोसाइटी में पॉटी करके सोसाइटी के रूल ब्रेक किए हैं। प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। माँ संतरा है विटामिन सी। हाँ आई सी। हाँ फिर दुकानदार ने खुले पैसे की जगह चॉकलेट पकड़ा दिए। माँ ये संतरे मुझे खराब लग रही, देखो ये वो चोर और उनका लोकेशन भी आईपी एड्रेस से मिल गया। ओके तो सुनिए कहाँ है, कहाँ मिल गई, मिल गई कहाँ है? पुष्पा जी वापस आइए। पुष्पा जी ये आपकी प्यारी बहुरानी ने जो बड़ी बड़ी कसमें खाई थी ना कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा हम थाने में कदम नहीं रखेंगे, इसी वजह से घर में मीटिंग करनी पड़ रही है हमें। अब भुगतिए बिल्लू की कारनामे। इस बिल्ली को तो नालायक को तो एनीवेज चोर की लोकेशन मिल चुकी है। टीम तैयार है? यस मैडम। हाँ चले। अरे हाँ हाँ हाँ
क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि हमने तुमको ढूंढी निकाला, तुमने अपना ठिकाना बदल लिया, अपना एरिया बदल लिया, फिर भी हम तुम तक पहुंच ही गए। क्या करें भैया, ये कुंडली दोष है हमें। हम जिसकी कुंडली के पीछे पड़ जाते हैं ना, उसका लाइफ जहन्नुम बना देते और उसका जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ते। समझे हमारी बात को? क्या बात है करिश्मा सिंह, ये होती है असली हीरोगिरी। कांग्रेचुलेशंस। जिस सोशल मीडिया पे इन्होंने हमको फंसाया था, उसी सोशल मीडिया ने हमें इन तक पहुंचाया है। ये सोशल मीडिया है, इसकी ताकत हम सब जानते हैं। इसमें इतना दम है कि एक सेकंड में किसी का भी लाइफ बदल सकता है, किसी की भी लाइफ में बवंडर मच सकता है, किसी का भी कुंडली बदल कर रख सकता है। लेकिन कितने लोग उस एक लाइक, उस कमेंट, उस एक शेयर की कितने लोग जिम्मेदारी उठाते हैं? कितने लोग समझते हैं कि उसमें कितनी ताकत है? आप लोग तो जो देखते हैं उसको सच मान लेते हैं, उसको लाइक कर देते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, और फिर उससे कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, ये चीज आप क्यों नहीं समझते हैं? हम सबसे विनती करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त पूरा सूझबूझ, पूरा संयम के साथ करें, ताकि इन जैसे लोग किसी का नाजायज फायदा ना उठाए और किसी को निशाना ना बनाए और किसी का जिंदगी बर्बाद ना करें। किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने बिना ना उस पर भरोसा ना करें। हम सबसे विनती करते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त पूरा सूझबूझ, पूरा संयम के साथ करें, ताकि इन जैसे लोग किसी का नाजायज फायदा ना उठाए और किसी को निशाना ना बनाए और किसी का जिंदगी बर्बाद ना करें। किसी भी पोस्ट की सच्चाई जाने बिना ना उस पर भरोसा ना करें। याद रखिए, आधा झूठ पूरा सच ही कहलाता है। और हाँ, इस वक्त जितने भी टीनेजर्स ये देख रहे हैं, एक बात याद रखिए, स्टंट करने में कोई हीरोगिरी नहीं है। जो लोग स्टंट करते हैं वो ज्यादातर बहुत ही क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोग होते हैं, जिन्हें इसकी बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन आप इन लोगों की नकल उतार कर सिर्फ खुद की ही नहीं, अपने आसपास सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। असली हीरोगिरी स्टंट दिखाने में नहीं है। हीरो बनना है ना आपको, तो फोर्स ज्वाइन कीजिए, आर्मी ज्वाइन कीजिए, एयरफोर्स ज्वाइन कीजिए, नेवी ज्वाइन कीजिए, और फिर असली हीरो बनिए हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ। यही है सही तरीका असली हीरो बनने का। क्या हुआ? हमारी आग फिर से फड़क रही है। ओह नो, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मस्त आ गया। अरे हम क्या जानते, हम कुछ नहीं जानते। बताओ, ये लेटर अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है, हसीना मलिक तक पहुंचा नहीं। अरे कैसे पहुंचेगा, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब तक तो लखनऊ भी आ चुका होगा। जय हिंद सर, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं सर।